अरे उधर क्या मास्क पहनने की जरूरत है, अभी फोन में थोड़ी कोरोना घुस रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड द क्यूंड विशेषम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो जैसे तुम लोगों ने थंबनेल पढ़ा, तुम लोगों को तो पता ही चला रहेगा कि आज का दिन मेरे लिए कितना ज्यादा स्पेशल होगा। इट्स अ वेरी 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 स्पेशल डे फॉर मी एंड माय मॉम। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छोटा सा सरप्राइज सोच रहा हूं मैं। अब इसके लिए मैं अकेला तो ये चीज नहीं कर पाऊंगा, ये सरप्राइज अगर सक्सेसफुल होना है ऑब्वियसली सरप्राइज नहीं रहेगा, बिकॉज मम्मी को पता ही चलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ एंड आई ऑलवेज डू। उनको पता ही है कि भाई कुछ तो करने ही वाला है। तो अभी प्लान आज का ऐसा है कि मेरे को अभी जाना है, मैं दिव्या मतलब मेरी जो बहन है उसके साथ मुझे जाना है, मॉम के लिए थोड़ा सा शॉपिंग कुछ करना है और मॉम एक्चुअली है बाहर, तो मॉम को वहीं पे रखने वाले हैं आज मतलब शाम तक, और शाम को सब यहाँ पे डेकोरेशन सब करना है मुझे। अब ऐसे दिख रहा है, शाम तक पूरा इसको चेंज करना है, इसको थोड़ा सा बलून वगैरह जो भी है लाके थोड़ा सा डेकोरेट करना है, और फिर मॉम मौसी और दिव्या शाम को यहाँ पे आ जाए, शाम को इन द सेंस रात को 11:30 के बाद 12 तक वो आ जाएंगे। लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज। अभी जाते हैं, पहले जाके दिव्या को पिक करते और जाते शॉपिंग के लिए। आया हूँ दिव्या के घर के नीचे, 15 मिनट से उसको फोन कर रहा हूँ और वो बंदी फोन नहीं उठा रही है। अभी तैयार होके अगर ये आती रहेगी तो भाई मेरा तो आज यही पे पूरा दिन चला जाएगा, मेरे को घर जाके काम भी करना है। कैमरा मैं चालू रखूंगा, अब जैसे दिव्या आएगी तुम लोग नोटिस करना कुछ ना कुछ फालतू डायलॉग डालेगी कैमरा को देख। दिव्या छोड़, मौसी आ रही है अभी यहाँ पर। दिव्या थोड़े कड़े ले, अम्मे की तुणी लो मेरे क्या, ये क्या पहन के आई है तू, कुछ भी डाल के आ गई। अरे बिठा के लेके मत जा, लेके जाता है तो इसको गिराना मत कहीं। मैं बोला अगर गिरती है तो वहीं से उठा के लेके जाना, अगर गिरेगी तेरे को लेके ही जाऊं किधर। ये तूने ऐसा स्कैम मेरे साथ करके तेरे को क्या खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। किस चीज के लिए आई थी तू इधर, मेरे मम्मी मम्मी के लिए ड्रेस लेने आई थी, तो अपने लिए लेने आई थी। इसके बाद इसको जिंदगी में कभी नहीं लेके आऊंगा। किधर तेरे को क्या लग रहा है, जो ड्रेस अपने लिए है मम्मी पहनेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं, गारंटी नहीं पहनेगी, 100%। लेकिन मैं पहनाऊंगा, एक ही दिन पहनेगी अगर पोज भी किया। तुझे आपको क्या लगता है, एक पहनेगा एक नहीं पहनेगा? दोनों पहनेंगे, दोनों पहनाऊंगा मैं। हाँ, पहनेगी तो भी सिर्फ एक दिन ना, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन तू तो बात ही मत कर, तू दूर रह मेरे से आज के बाद। आज के बाद कुछ सामान लेना ना, इसको कभी नहीं लेके आऊंगा मैं, और भी लेना ना सामान। मैं तू दूर रह मेरे से, स्कैम कर दिया मेरे से। देख अभी जो मैंने डिसाइड किया है मुझे पता है मैं कैसे करना है, तू आके अगर वो खराब कर रही है। नहीं, अरे मैंने ही सेलेक्ट किया सब कुछ, ऐसी झूठी बहन मैंने जिंदगी में देखी है। एक ब्लू कलर उसने सेलेक्ट किया बस, देन व्हाट, उसको खुद को कलर भी पता नहीं है। चलो कोई नहीं, ब्लू और सिल्वर, ब्लू और सिल्वर। हाँ। ये आज मैं अभी वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अपलोड कब कर पाऊंगा। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम, पता नहीं है यूजुअली सबके साथ हुआ है या कभी किसी ने ये चीज एनकाउंटर किया है कि नहीं। मेरे यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, तो मेरा अभी जो वाईफाई का जो काम करते हैं बंदे ने आके ऐसे कुछ जुगाड़ किया है। यूजुअली कैसे एक राउटर सेट करते हैं और उसपे से अपने को अपना वाईफाई यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसने एक राउटर लिया है उसपे दूसरा एक राउटर कनेक्ट किया और दूसरे राउटर से मैं वाईफाई यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन उसकी वजह से स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। या यूजुअली यहाँ का स्पीड एक्चुअली काफी अच्छा रहता है, बट अभी बहुत वाहियात स्पीड मिल रहा है, वो मैं दिखाता हूँ तुमको थोड़ी देर में। मैं अभी जो भी डेकोरेशन की आइटम है वो सब दिखा देता हूँ तुमको। बैकग्राउंड एक्चुअली मेरा ऐसा गोल्डन कलर है, तो मैंने सोचा कि गोल्डन और व्हाइट पे सूट होने वाला कलर सिल्वर होगा। और फिर एक मैंने शेड एक्चुअली नेट पे भी देखा था, मेटालिक ब्लू और उसके साथ ब्लैक कलर के बीच बीच में, तो उसके लिए मैंने सिल्वर कलर का बलून लिया है और ब्लैक मेटालिक ब्लू मेटालिक। फिर ये एज का मतलब नंबर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है बाबा ये इन्फ्लेटर जो मशीन है, जो बलून पंप है। तो ये एक्चुअली लास्ट टाइम दिव्या के बर्थडे के टाइम पे फुगा फुगा के जो हालत हो गई थी, पूरा पसीने से भीग गए थे हम लोग, तो ये टाइम वो गलती तो नहीं करना है। और उसके साथ साथ मैंने एक पूरा किट आता है इसमें 13 हैप्पी बर्थडे फॉइल बलून्स। देखते हैं सब निकाल के सेट करने के बाद समझे कितना अच्छा होगा, देख के तो लग रहा है कि अच्छे से सेट कर पाऊंगा। लेट्स सी। बलून से मैंने काफी सारे फुगा उसके ऊपर डबल टेप लगाया, डबल टेप कट करके लगाने एक टास्क था। उसके बाद वहाँ पे एक्चुअली मैंने रिबन ज्यादा सोच के लाया था, लेकिन रिबन बहुत कम हो गए इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बलून के लिए रिबन था। और थोड़ा सा है, मैं उतना पैक तो कवर कर दूंगा। यहाँ पे आएगा वो हैप्पी बर्थडे का, चाबी बर्थडे का जो पता है वो ये दीवार के सामने वाली दीवार पे आएगा। और उसके बाद ये वाले दीवार पे भी थोड़े बलून्स लगाऊंगा यहाँ पे, ये वॉल को ही मेन फोकस करना है पूरा डेकोरेट करने के लिए।
आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, सिर्फ मैं आधा लीटर पानी पे टिका हूँ, पानी भी ज्यादा तो पी नहीं पाया मैं। टाइसन कैसा है? काम करना था, बाहर से आया, आने के बाद एक घंटे में मेरा वो इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था, वो उसके पीछे चला गया मैं। और उसके बाद मैं सोचा कि फिर काम करते मैं खाऊंगा, फिर उसके बाद अपडेट था तो फिर मैंने ब्रेक लिया ही नहीं, उसके बाद ये काम चालू कर दिया और अभी तक खाया नहीं। संतोष नसीब खाना लेके आया। संतोष ऐसा एक बंदा है जिसने ये पूरा प्लान फ्लॉप किया है, लेकिन फिर भी अभी खाना लाया ना, खाना खाता उसके बाद उसको गाली डालता। फाइनली अभी सब कुछ हो गया, जितना डेकोरेट करना था वो सब कर दिया है। अभी मेरे को जाना है, नहाना है, मुझे फ्रेश होना है, तो मैंने जो डेकोरेट किया वो तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने पहले दिखाया था, ऐसे बलून्स लगाए थे ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे सब लिखा है, और नीचे ऐसे थोड़े से बलून्स डाले हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे कुछ किया है। जल्दी रेडी होता हूँ, नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। अभी टाइम हो गया है 11, तो 11:50 तक दिव्या और वो लोग आ जाएंगे मम्मी को लेके। जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, दिस इज़ नॉट सरप्राइज सरप्राइज, दिस इज सरप्राइज। यहाँ पे तीन महाशय एक्चुअली मेरे को हेल्प करने आए थे। एक महाशय फोन पे, दूसरा सो गया, तीसरा फोन पे। शाबाश, वेरी नाइस। मैं तो ना के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। अब मेरे को तो यहाँ पर कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा साफ सफाई है मेरे को, एक्चुअली झाड़ू पोछा करना है, थोड़ा पोछा नहीं झाड़ू मारना है। जो दो डबल टेप की जो टेप सब मैंने निकाले थे वो सब मेरे को एक्चुअली स्वीप करके बाहर डालना है मम्मी आने से पहले। कौंडो कर छोड़ो कौंडो, हाँ तोड़ के तोड़ के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू May God bless you. 12 बज के केक कट करो जल्दी। तू क्या बैकग्राउंड ऐसे कर रहा है मूवी? एड्रेस कैसा है? सही है। कैसा है एड्रेस? एड्रेस तो अच्छा है। लेकिन मेरे लिए नहीं, सही बोल रहा हूँ। अरे कुछ उम्र की सबसे नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, कुछ है ही नहीं उसमें, वो देख एक नंबर दिख रहे हैं, बहुत मस्त है। क्या क्या है, क्या उसमें उम्र की सबसे क्या प्रॉब्लम, क्या कौन बढ़ रहा है उसको बोला इधर? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लग रही दिव्या आपसे बड़ी है, दो साल वही ना। Happy birthday to you. अरे कितने केक करोगे? कैसा उम्र नहीं हो गया? नहीं कब फोड़ने बोला था तू? कब पैसा पैसा कर, पैसा कर, पैसा कितने रखे हैं? गिरा गिरा ये गिरा भाई, रोड गिरा 2000 ना। ओ भाई पैसे गिरा, पैसा भाई ये देख 200 पैसे के बारिश कर दी है। तू क्या ढूंढ रहा है? देखो देखो इसने लड़ी की सच में, ये हॉर्न तो नहीं थी, इसको 2000 मिला। नहीं 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 असली है। पहले इसको दे, पहले इसको दे बर्थडे ना, पहले टाइसन को दे। हाँ ले टाइसन, हाँ हैप्पी बर्थडे बोल, टाइसन हैप्पी बर्थडे बोल। अभी उसके सबसे बहुत सारे नोट थे, मेरे को इसमें कुछ दिखा नहीं। ये देख कितना सा है, इतना जमा किया मैंने दोस्तों। और तुझे देख के दे दिया 2000? नहीं मम्मी हमेशा बोलती थी कि बचपन में मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया, तो अभी सेलिब्रेट किया। ले गुंजे यहाँ पे वीडियो कॉल चले, ले गुंजे देखा उनका फोटो मुंह बड़ा कर। अरे उधर क्या मास्क पहनने की जरूरत है, फोन कोरोना घुस रहा है उसमें से। यार तेरे मम्मी को प्रॉब्लम क्या है, फोन के अंदर मास्क पहन लिया है। अभी क्यों पहना है मास्क? निकाल मास्क, तैयार नहीं हुई इसलिए निकाल मास्क। दे तो ये ऐसे लोगों के वजह से ऐसे केक नहीं मांगा था। अभी ये लेके किधर जा रही, घर पे लेके जाएगी ये? यस। हाँ और क्या करने वाली इसका?
फोटो निकालने के लिए ये चाहिए। अभी इसका जरूरत क्या है, इधर नहीं है ना कुछ, हो गया ना केक कटिंग। तो ये सब लेके आ दिव्या। नहीं 50 नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत टाइम है। आपका आ रहा है ना नवंबर में, उसके बाद ही मेरा आएगा। एक मिनट सुन, तेरे से छोटा अभी भी मैं दिखता हूँ। नहीं देखो, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं दिखने की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं बहुत यंग दिखती ना, ये 2 साल, इससे 2 साल बड़ा दिखता है। जितना हो सकता जैसा हो सकता वैसा सब तो सेलिब्रेट कर दिया। और ये बात अच्छा लगा कि मम्मी के मुंह से सुन के कि आज तक का सबसे पहला बर्थडे है जो मम्मी ने ऐसा सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली मैंने भी इतना डेकोरेट तो कभी किया नहीं है, छोटा मोटा कुछ सरप्राइज तो देता था, बट ऑब्वियसली 50th बर्थडे था तो कुछ ज्यादा करना तो बनता ही था। इसीलिए फिर मैंने ये बर्थडे के लिए इतना कुछ किया। ऐसे बोलते हैं सब लोग कि जैसे लोग उनका एज होता है उनका एज कम होते होते आता है, तो ऑब्वियसली तो बचपन में जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही मम्मी के लिए एक सरप्राइज दिया। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मम्मी को अच्छा लगा, ऑब्वियसली उसका चेहरा देख के मुझे समझ में आया कि शी वॉज वेरी हैप्पी। Even I am happy that I could do this for her. और मेरे मम्मी का एक ही प्रॉब्लम, मम्मी बोलती कि अभी जो कपड़ा मम्मी को मैंने दिया था वो कपड़े दिया तो मम्मी का एक ही कहना था जो नॉर्मल अपने इंडियंस का कहना होता है, लोग क्या कहेंगे। भाई यार लोग कहने के लिए तो होते हैं, तो फिर चलो मैं मम्मी को बोला यार इग्नोर करो लोग क्या कहेंगे, उसके मतलब अपनी खुशी के लिए जियो। और ऐसे ही मैं सबको बोलूंगा, नेवर बॉदर व्हाट पीपल थिंक, तुम अपने खुशी के लिए जियो, दैट्स इट। मैं भी खुद था ऐसा एक टाइम पे कि यार उनको क्या लगेगा इनको क्या लगेगा, उसके हिसाब से मैंने बहुत बिहेव किया। इससे कुछ नहीं होता है, हम हर्ट होते हैं और हमको ही तकलीफ होता है और कुछ नहीं होता है। चलो बहुत ज्यादा फिलोसफी हो गया। मैं जो वाईफाई की बात कर रहा था ना, मेरा वाईफाई का देखो, मेरा वाईफाई का ये एक राउटर है, ठीक है, ये मेन राउटर है और यह ये राउटर से उसने कनेक्शन दिया है ये राउटर, पर अब ये राउटर से मेरे को वाईफाई यूज करने का, इसकी वजह से स्पीड बहुत स्लो है। अब पता नहीं ये कितने देर में ये अपलोड होगा, एडिट करने के लिए जा रहा हूँ मैं अभी, कितने देर में अपलोड होगा भगवान जाने, देखते हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं डाल दूंगा। और स्पेशल थैंक्स टू उमेश सर जो मेरे मैनेजर सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आपने मेरे को आज हाफ डे नहीं दिया रहता तो मैं ये सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता था अच्छे से। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने सबने वीडियो अभी तक देखा होगा और पसंद भी आया रहेगा, और अगर आया है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना और वो कीजिए जो तुम्हें पसंद है। डू व्हाट यू लाइक, नेवर लिसन टू एनीवन, लिव योर लाइफ द वे यू वांट। Until then, this is VV Rolling, signing off.